12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। बहुत ही ज्यादा डर में हूँ गाइज, बड़ा उत्तराखंड जैसी फील तो आई जाएगी, बट अपनी गाड़ी खराब हो गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं मल्लिकार्जुन, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है, श्री सैलम, आंध्र प्रदेश में आता है श्री सैलम। तो आज हम जा रहे हैं, आपको दर्शन कराएंगे वहाँ पे, साथ में बने रहिएगा इस वीडियो के। यहाँ से मेरे ख्याल से साढ़े चार घंटे का रास्ता दिखा रहा है अभी, तो टाइम तो लगेगा। खाने का लिए काफ़ी सारा सामान लेके आए हैं गाड़ी में, खाने के लिए मुझे लगता नहीं बीच में रुकने की ज़रूरत पड़ेगी खाने के लिए। तो इतना सारा सामान है हम कि 10-15 दिन तक खा सकते हैं, बट हमको शाम को वापस आना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एयरपोर्ट रोड है आगे, वहाँ पे एक तो हम कवर करेंगे, एक टेम्पल हो गया हमारा श्री सैलम में मल्लिकार्जुन, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। दूसरे नंबर पर एक डैम हो गया, जो एक फेमस डैम है वहाँ का, काफ़ी बड़ा डैम है। और वाटरफॉल का हम देखेंगे कि हम कवर कर पाएंगे नहीं। हाँ, जो एक वाटरफॉल पड़ता है रास्ते में, पड़ता है पास ही पड़ता है, क्योंकि वो हम आते हुए देखेंगे। हाँ, श्री सैलम के वो रिटर्न करते हुए देखेंगे, अगर हमारे पास टाइम होता है तो वाटरफॉल पे जाएंगे, वहाँ के भी थोड़े नज़ारे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला तो। अदरवाइज हमको आज शाम को ही वापस आना है, तो अगर टाइम नहीं मिला तो नहीं जाएंगे, टाइम मिला तो आपको ज़रूर दिखाएंगे वहाँ के नज़ारे थोड़े। तो आपसे मिलते हैं अब श्री सैलम में। भाई आ गए हैं साउथ इंडिया के पहाड़, पहली बार मैं देख रहा हूँ साउथ इंडिया के पहाड़ यहाँ पे। इधर काफी गहराई, काफी गहराई, काफी गहराई है, इतने ऊंचे पहाड़ तो नहीं है बट फिर भी पहाड़ है। ये जी अमराबाद टाइगर रिजर्व, यहाँ पे टाइगर देखने को भी मिल सकता है। दिखाना फिर टाइगर, दिखाना आप टाइगर दिखेगा क्या। हम आ गए हैं फॉरेस्ट एरिया में, टाइगर रिजर्व है पूरा। डर लग रहा है यहाँ पे सबको, जितने भी लोग गाड़ी में बैठे हैं हमारे साथ, ये बहुत ज्यादा डर रहे हैं सबके सब। हम लोग यहाँ शेर आने का बहुत खतरा रहता है, तो आप हाँ टाइगर आने का बहुत खतरा रहता है। पीछे लिखा हुआ था कि गाड़ी से ना निकलें, गाड़ी को ना रोकें, और बंदरों को भी आप यहाँ पे कोई खाना ना दें, फीड ना करें बंदरों को। बहुत ही ज्यादा डर में हूँ गाइज, और गाइज अगर मतलब कोई शेर दिखा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, मगर अभी जो है ना वो गाइज बहुत ज्यादा डर लग रहा है गाइज, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप ये डर इन भैया की शक्ल पे देखिए, देख सकते हैं एकदम एकदम डर आपको दिखेगा यहाँ पे, कितना ज्यादा डर है यहाँ पे हम लोगों के अंदर। यहाँ पे पीछे एक भेड़िए का फोटो लगा हुआ था, मगर भेड़िया मिल सकता है गाइज, यहाँ पे मिल सकता है गाइज। ये चेक करें आप, देखिए यहाँ पे पूरा एकदम डेंस फॉरेस्ट है गाइज। गाइज यहाँ पे भेड़िया, जयकाल, पता नहीं क्या क्या है इस जंगल में गाइज। तो डर के आगे जीत है, डर के आगे श्री सैलम है यहाँ पे। जैसे ही डर से निकलेंगे आगे तो श्री सैलम आए गाइस। गाइस ये चेक करें, डैम पे आ गए हैं, और ऐसा लग रहा है उत्तराखंड का पूरा मजा आ रहा है यहाँ पे साउथ इंडिया में। मैं आपको नजारे दिखाता हूँ सामने के डैम के। गाइस ये चेक करें डैम, ये देख रहे हैं आप कितना ह्यूज डैम है, और नीचे जो वाटर का नीचे देखिए, पानी देखिए नीचे। उत्तराखंड के मजे आ रहे हैं, नहीं बुआ रहे पूरे के पूरे। हाँ वहाँ पे भी काफी बड़ा डैम था, जाम लग रहे ना थोड़े, उत्तराखंड के मजे आ रहे हैं ना यहाँ पे। गाइस ये चेक करें, कैसा लग रहा है आपको? गाइस ये पीछे चेक कर रहे हो ना आप, श्री सैलम डैम। मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस नियर बाय हैदराबाद, और आउटस्टैंडिंग व्यू है यहाँ का यार, मतलब अच्छा है। अगर आपके पास आपको पहाड़ चाहिए तो यहाँ पे पहाड़ मिल जाएंगे, थोड़ा उत्तराखंड जैसी फील तो आई है आपको यहाँ पे। भाई ये चेक करो क्या व्यू आ रहा है यहाँ से श्री सैलम, बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर व्यू। 60 FPS पे रिकॉर्ड करते हैं आपके लिए, ये देखिए क्या सुंदर व्यू है एकदम। श्री सैलम में हम, और श्री सैलम के डैम के पास का जो ब्रिज है वहाँ का ये व्यू है। सामने आप देखेंगे तो आपको डैम दिखेगा, और यहाँ से मंदिर का रास्ता दिखा रहा है लगभग अभी 40-50 मिनट्स। भाई यहाँ पे आए हैं मल्लिकार्जुन, मगर अंदर फ़ोन, कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, तो ये बाहर के दर्शन हैं आपके। भाई दर्शन तो हो गए हैं शिव जी के, बट अपनी गाड़ी खराब, गाड़ी नहीं चल रही,
अभी शायद इसकी बैटरी ख़राब हो गई है, बैटरी डाउन हो गई है, इसे स्टार्ट करना पड़ेगा। इसे स्टार्ट करते हैं, धक्का देके भैया आ रहे हैं। तो देखो आई होप भगवान करे स्टार्ट हो जाए। आसपास कुछ भी सर्विस स्टेशन नहीं है जो इसे सही कर सके, पता करा मैंने। तो अभी देखते हैं गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है, धक्का देते हैं इसको, फिर देखते हैं चल पाते नहीं चल पाते। सो गाइज ये है श्रीशैलम और यहाँ पे टेम्पल पड़ता है मल्लिकार्जुन, और मल्लिकार्जुन शिव जी का दूसरा नाम है। यहाँ पे शिव जी पार्वती जी का टेम्पल पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा मान्यता है, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, देख सकते हैं आप। जो अपने यहाँ के 8 शक्तिपीठ हैं उसमें से एक शक्तिपीठ है। अंदर कैमरे अलाउड नहीं होते, कोई भी फ़ोन अलाउड नहीं होता है, तो अंदर की वीडियो में बना नहीं पाया, बट ये वहाँ की धरती है, काफ़ी साफ़ सफाई है। आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी कार थोड़ी ख़राब हो गई है, वहीं जाता हूँ ठीक करने के लिए, देखता हूँ कोई मैकेनिक मिल जाता है। सो गाइस हमारी गाड़ी ख़राब हो गई यहाँ पे, और जंप स्टार्ट करने वाला ऑटोमेटिक है तो धक्का देके स्टार्ट नहीं कर सकते। 1200 रुपये मांग रहा था जंप स्टार्ट करने के। एक पास से बैटरी की शॉप है, वहाँ से बैटरी मंगाई है 5000 रुपये की, 500 रुपये वो अलग से सर्विस चार्ज लेंगे, और साथ में हम इंतज़ार बैटरी वाले भैया का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पे हमारा नाश्ता चल रहा है, तो यहीं पे हमने सब कुछ खोल लिया, अपना मैगी नूडल्स चाय नाश्ता सब जो लेके आया था यहीं खोल लिया है। तो देखते हैं, आई होप जल्दी से वो आ जाएं, फिर हम यहाँ से निकले क्योंकि शाम तो हो गई है, पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। तो जैसे ही भैया आते हैं फिर हम निकलते हैं यहाँ से, हमारी धन्नो स्टार्ट हो जाए बस। क्या खा रहे हैं हम? उपमा चल रहा है यहाँ पे। अभी इससे पहले हमने मैगी खाई थी। देखो उपमा चाय मैगी सब घर से बना के लेके आए हैं, कटिंग चाय चल रही है, सब घर से बना के लेके आए हैं, तब से वो चल रहा है। तो बस अंधेरा हो गया, शाम हो गई यार, ये स्टार्ट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। चलो मिलते हैं, जैसे ही इसे स्टार्ट करते हैं फिर। ये अंदर रख दो भैया, आ गए यार, ये बैटरी डालेंगे अभी। देखो भाई, ये भैया बैटरी लगाएंगे, एमरॉन की बैटरी मंगाई है, जीवन दान साबित हो गए हमारे लिए। अच्छा इसका वेट ज्यादा है? हाँ, ये वेट कम आता, कांटे में डालता ना हम लोग। अच्छा, ये पैसा कम आता है इसमें कांटे में। 34B 19L, हाँ 40B 20L उससे। अच्छा हाँ, अच्छा बैटरी, अच्छा बैटरी। अभी बैटरी लगा रहे हैं भैया। भाई आज तो केस हो गया भैया, बैटरी फिट हो गई है हमारी, बैटरी लगभग फिट हो गई यार हमारी। अब आई होप क्या स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत वेट कर लिया हमने यहाँ पे। सो गाइज बैटरी डलवा ली है, बड़ी खुशी सी लग रही है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? जान में जाना गई है, मुझे बीच में लग रहा था होटल लाने लेना पड़ जाएगा जी यहाँ पे। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था, मैंने भी सोच लिया था, मुझे भी लग रहा था तो पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से बैटरी मिल गई अपने, यहाँ पे पसीने छूट गए मेरे, यहाँ पे सर्दियों में भी, और एसी चलाते हैं थोड़ा सा, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। पहली बार में गाड़ी स्टार्ट हो गई बहुत देर में, तो अभी हम चलते हैं यहाँ से निकल के। ये देखें गाइस, 10:30 बज गए, 10:30 बजे घर पहुँचे हम। श्रीशैलम से हैदराबाद आने में हमको 4.5 घंटे लग गए हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अब रेस्ट करेंगे। सुबह निकले थे, अब पहुँचे हैं घर पे। बीच में गाड़ी ख़राब हो गई थी, बड़ी मुश्किल से हमें को बैटरी मिली वहाँ पे, जो एक स्टार्ट करने के, सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए 1200 रुपये मांग रहा था। तो हमने सोचा बैटरी चेंज करा लो, 5000 रुपये की हमें बैटरी पड़ी वहाँ पे वो। सो हमने बैटरी चेंज करा ली वहाँ पे और हम सेफली घर पहुँच गए। सो थैंक गॉड हमें वो इस रिमोट जगह पे बैटरी मिल गई और हम टाइम से घर पहुँच गए। सच में बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, सब लोग थक गए हैं, सब जाके रेस्ट करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।